hello everyone a very warm welcome to all my dear students in today's maths class i hope you all are staying safe and doing well in your study so we had completed five chapters of maths and today we are going to start chapter 6 shapes which is on page number 81 in your maths course book so in today's session first of all we will discuss about plane shapes or 2d shapes the objective of today's lesson is to learn about different parts of plane shapes and to draw shapes on the dot grid so let's begin so first we will discuss about plane shapes that what are plane shapes so shapes drawn on a plane surface are called plane shapes वो शेप्स जो हम किसी प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्लेन शेप्स फॉर एक्जाम्पल कुछ शेप्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं लाइक रेक्टेंगल स्क्वायर ट्राइंगल एंड सर्कल ये एक प्लेन पेपर है एक प्लेन सरफेस है तो जो भी शेप्स हम इस तरह से प्लेन सरफेस पे या प्लेन पेपर पे ड्रॉ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्लेन शेप्स एंड ऑल्सो प्लेन शेप्स आर फॉर्म्ड बाय कर्व लाइंस और स्ट्रेट लाइंस। मीन्स प्लेन शेप्स को आप कर्व्ड लाइन्स या स्ट्रेट लाइन दोनों में से किसी का भी यूज करके बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल स्क्वायर और ट्राइंगल में हमने स्ट्रेट लाइन्स का यूज़ किया है और सर्कल में कर्व्ड लाइन्स का अबाउट दी शेप्स आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा एंड आफ्टर दैट ऑल्सो प्लेन शेप्स आर कॉल्ड टू डी शेप्स इन्हें टू डी शेप्स भी कहा जाता है डी मीन्स डायमेंशनल टू डी मीन्स टू डायमेंशनल टू डायमेंशंस मीन्स विच हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेथ लेंथ एंड ब्रेथ तो ये क्या हो गई टू डायमेंशंस होगी तो प्लेन शेप्स और टू डी शेप बोथ आर सेम प्लेन शेप्स को हम टू डी शेप्स भी कहते हैं नाउ वी विल लर्न अबाउट द साइड्स कॉर्नर्स एंड डायगनल्स ऑफ दीज प्लेन शेप्स की कितनी साइड्स होती हैं कितने कॉर्नर्स होते हैं और कितने डायगनल्स होते हैं सो फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल इट इज़ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स सेम होती हैं इफ़ यू मेजर द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल यू विल फाइंड दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल ये दोनों साइड्स ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं ना हाउ मेनी कॉर्नर्स और वर्टिसज आर रेक्टेंगल है कितने कॉर्नर्स और वर्टिसज होते हैं रेक्टेंगल के तो कॉर्नर क्या होता है ये वाले पॉइंट जो बिल्कुल कॉर्नर में इन्हें हम वर्टेक्स या वर्टसिस भी कहते हैं वर्टेक्स एक सिंगुलर है वर्टिस का क्लियर अगर हम एक कॉर्नर की बात करते हैं तो उसे हम वर्टेक्स कहते हैं अगर हम सारे कॉर्नर्स की बात करते हैं तो उन्हें हम वर्टसिस भी कहते हैं सो कॉर्नर एंड वर्टसिस आर सेम सो हाउ मेनी कॉर्नर्स और रेक्टेंगल हैव वन टू ये कॉर्नर पॉइंट्स थ्री फोर सो हाउ मेनी कॉर्नर्स और वर्टिसज और रेक्टेंगल हैव फोर आफ्टर दैट हाउ मेनी साइड्स अ रेक्टेंगल है क्या होती हैं लाइन ज्वाइनिंग वर्टिसेस इन वर्टिसेस को जो लाइन्स ये ज्वाइन कर रही हैं इन्हें हम क्या कहते हैं साइड्स तो ये क्या है साइड एक ये साइड है वन टू थ्री एंड फोर सो हाउ मेनी साइड्स अ रेक्टेंगल है दैट डाइगनल्स सो नाउ वट आर डाइग्नल्स डायगनल्स क्या होते हैं लाइन ज्वाइनिंग द ऑपोजिट वर्टसेस ऑफ प्लेन शेप्स जो ऑपोजिट वर्टसिस को जो लाइन मिला रही है उन्हें हम क्या कहते हैं डायगनल सो हाउ मेनी डायगनल आर हेयर वन एंड टू इन दो ऑपोजिट वर्टसेस को ये लाइन मिला रही है और इन दोनों ऑपोजिट वर्टस को ये लाइन सो हाउ मेनी डायंगल्स और रेक्टेंगल हैव

ओके okay, तो जैसे हमने रेक्टेंगल में कॉर्नर काउंट किए थे तो इसके भी कॉर्नर्स क्या है ये है ये है वर्टेक्स क्लियर कॉर्नर एंड वर्टिसेस आर सेम सो वन वर्टेक्स इज दिस टू थ्री एंड फोर सो हाउ मेनी कॉर्नर्स और वर्टिसेस आर स्क्वायर हैव फोर अगेन रेक्टेंगल के भी फोर कॉर्नर्स हैं और स्क्वायर के भी फोर कॉर्नर्स हैं देन साइड्स रेक्टेंगल की जैसे ये साइड सी जो दो वर्टिसेस को मिलाती हैं वो लाइन क्या होती है साइड तो कितनी साइड्स हैं स्क्वायर में ये क्या है साइड ये भी साइड है ये भी साइड है और ये भी साइड सो हाउ मेनी साइड है स्क्वायर देन हाउ मेनी डायग्नल डायगनल अगेन द लाइन ज्वाइनिंग द ऑपोजिट वर्टिसेस ऑपोजिट वर्टिसेस ये हैं वन टू तो इनको जो लाइन ज्वाइन uh, कर रही है वो क्या है डायगनल सो वन डायगनल इज दिस एंड अनदर डायगनल इज दिस सो हाउ मेनी डायगनल two diagonals four corners four sides and two diagonals same as rectangle but the difference between rectangle and square in rectangle opposite sides are equal and in square all sides are equal if you measure the sides of square you will find that all the sides are equal of square

क्लियर सो हाउ मेनी कॉर्नर्स अ ट्राएंगल है साइड्स साइड क्या है जो दो कॉर्नर और दो वर्टिसेस को मिलाती हैं तो वो क्या होती हैं साइड सो हाउ मेनी साइड्स अ ट्राएंगल है ट्राएंगल हैव नाउ द लास्ट प्लेन शेप इज सर्कल नाउ हाउ मेनी वर्टिसेस एंड साइड्स अ सर्कल हैव बट सर्कल का कोई कॉर्नर पॉइंट है ही नहीं सो हाउ मेनी वटइज अ सर्कल हैव यहाँ पर कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है ना सर्कल का सो हाउ मेनी वटिस जीरो एंड हाउ मेनी साइड्स अ सर्कल हैव यहाँ पर कोई साइड भी नहीं है सर्कल की क्लियर कोई वर्टसिज नहीं है और कोई साइड भी नहीं होती है सर्कल सो हाउ मेनी साइड्स ज़ीरो क्लियर सो सो सर्कल हैज़ नो वर्टसिस एंड नो साइड्स क्लियर सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लेन शेप्स लाइक कॉर्नर्स और वर्टसिज साइड्स एंड डाइंगल्स क्लियर ऑल दिज प्लेन शेप्स एंड देर डिफाइन्स आर गिवन इन योर मैथ्स कोर्ट्स वुक ऑल्सो नाउ देयर इज अ डॉट ग्रिड शीट गिवेन इन योर बुक ऑन पेज नंबर एटी वन ये एक डॉट ग्रिड शीट है इसमें क्या होता है कुछ डॉट्स लगे होते हैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हॉरीजोंटली भी और वर्टिकली भी क्लियर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ये डॉट्स होते हैं और यहाँ पर कुछ लाइंस ड्रॉ करके दी हुई हैं अब हमें इनको कंप्लीट करके क्या बनाना है स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स सी ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो कंप्लीट द फिगर्स टू मेक स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स इनको कंप्लीट करके क्या बनाना है हमने स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यहाँ पर देखिए टू लाइन्स आर गिवन ह्योर वन इज़ दिस एंड अनदर इज दिस तो पहले हमें ये देखना है कि हम इसका स्क्वायर बना सकते हैं या रेक्टेंगल बना सकते हैं दिस इज अ रेक्टेंगल रेक्टेंगल बनाएंगे हम इसका बिकॉज स्क्वायर्स की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड्स की जो लेंथ है वो क्या है अनईक्वल है दोनों सेम नहीं है ना तो ये क्या बनेगा रेक्टेंगल बनेगा सो हाउ वी विल मेक इट यहाँ पर देखिए ये वाली साइड में वन और टू ये टू डॉट्स को मिलाकर एक लाइन बनाई हुई है तो हम यहाँ पर भी इसी तरह से बिल्कुल इसी की सेम लेंथ की एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जो बिल्कुल इसके नीचे डॉट है क्लियर नाउ बोथ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल अब बिल्कुल इस लेंथ की हमने इसकी ऑपोजिट साइड बनानी है तो आप इस तरह से इन डॉट्स को जॉइन कर देंगे सो दिस इज़ अ रेक्टेंगल नाउ मूव टू द नेक्स्ट टू लाइन्स आर गिवन हियर अगेन यहाँ पर देखिए टू डॉट्स को मिला के ये लाइन बनाई हुई है और यहाँ पर भी टू डॉट्स को मिलाकर लाइन बनी मीन्स बोथ आर इक्वल इन लेंथ सो यहाँ पर क्या बनेगा स्क्वेयर बनेगा बिकॉज इन स्क्वायर ऑल द साइड आर इक्वल इन लेंथ ओके सो हाउ यू कैन मेक इट अब यहाँ पर टू डॉट्स को मिलाकर एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे क्लियर एंड अगेन इन टू डॉट्स को मिलाकर एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे सो इट बिकम्स अ स्क्र सो इन दिस वे यू हैव टू कम्प्लीट दीज फिगर्स And you have to make squares and a rectangle. I hope today's topic is clear to you. Now your home assignment is, let's try 1 in your maths course book and my turn 1 in your practice book. That's all for today. We will continue this chapter in the next session. Till then, stay home, stay safe, take care, bye bye.